top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Swine flu droplet infection है और टीबी droplet nuclei infection है. Swine flu की जो precautions होती है 3 फुट वाली वो टीबी में नहीं चलती है. तो IMA का कंसर्न ये है, पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि अगर 2 हफ्ते की खांसी है तो उसमें स्वाइन फ्लू के चक्कर में ना रहें. स्वाइन फ्लू 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते चल रही है, बलगम आ रही है, उसमें ब्लड आ रहा है, तो टीबी को इग्नोर ना करें. ये ना हो स्वाइन फ्लू के चक्कर में टीबी इग्नोर हो जाए और टीबी बढ़ जाए. ये IMA का कंसर्न है. दूसरा, IMA ये चाहता है कि जितने भी टीबी के मरीज भारत में हैं, क्योंकि 4 लाख लोग टीबी से हर साल मरते हैं, तो IMA ये चाहता है कि टीबी के मरीजों को सरकार की तरफ से पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि ये नोटिफायबल डिसीज है, कि इन लोगों को पेड लीव मिले ताकि ये अपनी बीमारी को छुपाए ना. आज की डेट में लोग टीबी की बीमारी को छुपाते हैं क्योंकि उनको लगता है मेरी तनख्वाह निकल जाएगी और एक सरकारी मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. तो IMA 2 डिमांड चाहता है सरकार से. नंबर 1, टीबी के मरीज को अगर आप नौकरी से निकालते हो तो वो जुर्म होना चाहिए, वो अलाउ नहीं होना चाहिए. और जब तक आदमी अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो जाता, उसके थूक की जो जसदाई है उसकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए. सर, जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले लगातार है, ये बीमारियां नई बीमारियां हैं. स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, डेंगू, ये नई बीमारियां हैं. IMA चाहती है कि इन नई बीमारियों का अलग से मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट बने, जो ऑलरेडी है, और सरकार इनको, जैसे अगर कितने भी स्वाइन फ्लू की डेथ हुई है, हर स्वाइन फ्लू के डेथ के ऊपर 2 लाख रुपए का मुआवजा दे. स्वाइन फ्लू के इलाज को सरकार उसको इलाज करे और इसकी अवेयरनेस का सारा खर्चा सरकार उठाए, क्योंकि आम आदमी की गलती से स्वाइन फ्लू नहीं करता. और नंबर 2, टीबी और स्वाइन फ्लू दोनों के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर किसी को स्वाइन फ्लू है उसको पेड लीव मिलनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी बीमारी छुपाकर लोगों को बीमारियां फैलाए. उसको टीबी हो गया तो इससे क्या होगा, लोगों के मन में विश्वास आएगा और ये बीमारी घटेगी. हर गांव के अंदर में हमारा आओ गांव चले प्रोजेक्ट है और हमारी अवेयरनेस गांव गांव तक पहुंच गई. डॉक्टर अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पे किस तरह से कब तक अभियान चला? हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्टिविटीज हो रही हैं. हम लोग SMS कर रहे हैं 2.5 लाख डॉक्टरों को, हम लोग ईमेल भेज रहे हैं 2.5 लाख डॉक्टरों को. हम यहाँ पे नर्सिस का प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ में एक रैली कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ में हम लोग एक प्लेज ले रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर में, और डॉक्टरों के लिए हमारी कॉन्फ्रेंस एक अलग से हो रही है. एक बुक भी निकाल रहे हैं हम लोग जो है, हमारे IMA के जो जितने भी नेशनल लीडर्स हैं उनकी वर्कशॉप भी हम लोग कर रहे हैं. एक टैबलो भी निकाल रहे हैं हम इसके ऊपर में. तो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होगी और रोज हम एक नया एंगल टीबी किया पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को.